हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आज से मैं वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको HTML, CSS, JavaScript, React.js जैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स क्रिएट करने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने की जो प्रोसेस होती है उसे वेब डेवलपमेंट कहते हैं। वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमें तीन चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। एक है HTML, दूसरी है CSS और तीसरी है JavaScript। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML का यूज़ करके हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं जैसे कि हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, टेबल टैग्स। अब बात करते हैं CSS की। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। HTML से वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद हमें वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। हमें सबसे पहले HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करना होता है, फिर हमें उसकी स्टाइलिंग करते हैं। CSS की मदद से हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं JavaScript की। JavaScript एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। JavaScript का यूज़ करके हम वेबसाइट के बिहेवियर को डेवलप करते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, बहुत सारी स्लाइडर्स होती है, अकॉर्डियंस होते हैं, पॉपअप्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की मदद से डेवलप की जाती है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।